36 घंटे के अंदर पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 36 घंटे के अंदर घास लेने गए किसान की हत्या में संलिप्त दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आला कत्ल व कपड़े बरामद। आपको बताते चले, मामला यूपी के सीतापुर शहर कोतवाली क्षेत्र के शादीपुर गांव का है, जहां पर बीते दिनों घर से घास लेने गए किसान की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसी क्रम में सीतापुर पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के निर्देश अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र में हत्या के मामले में केस दर्ज कर 4 टीमें लगाई गई, जिसका सफल अनावरण पुलिस द्वारा 36 घंटे के अंदर कर दिया। इसमें संलिप्त अभियुक्त राकेश जायसवाल व कमलेश कुमार को गिरफ्त कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई। पूछताछ में पता चला कि परिवार के पास खेती बाड़ी नहीं है व आमदनी का कोई स्रोत भी नहीं है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं हेतु किराने की दुकान चलाने वाले कमलेश से मृतक की बहू का पिछले 2-3 वर्षों से आना जाना था। किराने की दुकान पर सामान लेते देते समय मकान मालिक राकेश से भी उसकी बहू का संपर्क हो गया। घटना के करीब 15 दिन पहले राकेश महिला से मिलने रात में घर गया था, जिसे मृतक व उसके परिजन ने देख लिया था। मृतक ने यह चेतावनी भी दी थी कि यह मामला वह गांव वालों के समक्ष उजागर कर देगा। घटना के करीब 5 दिन पहले ही राकेश महिला से मिलने खेत पर गया हुआ था, तभी महिला का ससुर मृतक शत्रुघ्न व दोनों को एक साथ देख लिया था। इस बात से उसने कहा कि यह बात मैं गांव वालों को बता दूंगा। इसी बात से राकेश अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु चिंतित हो गया। वह कमलेश के साथ मिलकर शत्रुघ्न को मारने की योजना बनाई और 10 अक्टूबर को जब मृतक घर से वापस घाट काटने गया, मौका पाकर दोनों ने हसीये से वार किए, शत्रुघ्न की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए, जिन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्त मामले का अनावरण करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। सीतापुर जिला ब्यूरो शिव नरेश पांडे की रिपोर्ट। 10 अक्टूबर को थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शादीपुर में उसी गांव के निवासी 70 वर्षीय शत्रुघ्न जायसवाल धारदार हथियार से काट करके गला रेत करके हत्या की गई। इस घटना के पश्चात सभी संबंधित लोगों के अतिरिक्त स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी घटना का निरीक्षण करके मौके पर ही इसके सफल अनावरण हेतु 4 टीमें थाना अध्यक्ष महिला थाना के सहित बनाई गई थी और उन सभी टीमों द्वारा संयुक्त रूप से कार्य किया गया। और जो कार्य करने के पश्चात इसके खुलासे के लिए जो तथ्य सामने आए, उसके अनुसार ये बात हुई कि उसी गांव के ही दो व्यक्ति ऐसे हैं, एक राकेश जायसवाल एक कमलेश जायसवाल। ये दोनों व्यक्ति इस रूप में निकल कर गया है कि जो मृतक की बहू है वह इनके संपर्क में आई है। सबसे पहले इनका संपर्क, मृतक की बहू का संपर्क राकेश के मकान में किराने की दुकान चलाने वाले कमलेश से हुआ और कमलेश से इसका संबंध 2-3 वर्षों से चल रहा था। चूँकि परिवार की आर्थिक आय का कोई स्रोत नहीं है, आजीविका का कोई सुनिश्चित स्रोत ना होने के कारण बहू की कमाई से ही पूरा परिवार लगभग चलता था, ये उसमें उसकी मदद करता था। कुछ दिन बाद पश्चात, चूँकि राकेश के मकान में ही किराने की दुकान चलाता है, परचून की दुकान, तो राकेश का भी संपर्क इस महिला से हो गया। इस राकेश के द्वारा ही लगभग 15 दिन पहले उसके घर जब उसकी बहू से मिलने गया था तो उसके परिजनों ने देखा और उस वृद्ध ने भी देखा कि ससुर है और उन्होंने कहा कि यह कुकृत्य मैं सबको बता दूंगा। इसके पश्चात हाल ही में मृत्यु की जब उनकी हत्या हुई है, उसके पहले ही 5 दिन पहले वहीं पर जब घास काटने गए थे खेत में ही पुनः राकेश को अपनी बहू के साथ उन्होंने देखा और उसके पश्चात फिर ये आकर के कहा कि अब मैं पूरे गांव को यह चीज़ बता करके रहूँगा कि आप लोग ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं। इससे राकेश अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए चिंतित हुआ और उसने, चूँकि कमलेश और राकेश की संगत पहले से थी और उसी के माध्यम से उसकी बहू से परिचित हुआ था, इन दोनों ने मिल करके उस वृद्ध शत्रुघ्न जायसवाल को अपने मार्ग से हटाने की योजना बनाई और दोनों ने मिल करके इस घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना के मूल में यही कारण स्पष्ट हुआ है। मौके से जो आला कतल बरामद किया गया था, उसके अतिरिक्त इन अभियुक्तों के जो रक्तरंजित वस्त्र हैं वह भी बरामद किए गए हैं और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई पूरी की जाएगी। इस घटना का सफल अनावरण 36 घंटे के अंदर ही करने में सफलता टीमों द्वारा प्राप्त हुई।